10 साल पर गिनती होना चाहिए, लेकिन सरकार जानबूझकर इसकी गिनती नहीं कर रही। संविधान में ऐसा मौलिक अधिकार लिखा हुआ, संविधान के विरोध में नरेंद्र मोदी ऐसा काम कर रहा है। आज संविधान, नरेंद्र मोदी संविधान विरोधी है, इसलिए उसको मैं कहता हूँ देशद्रोही है नरेंद्र मोदी। और क्योंकि वो जनता के द्वारा चुना हुआ सरकार नहीं है, क्योंकि ईवीएम की पैदाइश की सरकार है, इसलिए मैं उनका पुनः जोर विरोध करता हूँ। मैं बहुजन क्रांति मोर्चा प्रदेश संयोजक बिहार कुमार अंबुज, इसलिए मैंने इनकी मांग को पूरा नहीं करता है तो पूरे भारत को आपको जानकारी होना चाहिए। 25 मई को पूरी जनमन बंद करने की तैयारी कर रहे हैं, अगर इसकी मांग पूरी होती है ताकि हम लोगों को संख्या का अनुपात प्रतिनिधि प्रत्येक विभाग में मिलेगा तो युवा समानता असमानता ही सरकार फैलाई जा रही, नफरत फैलाई जा रही है, ऐसे नफरतबाजी सरकार मुझे नहीं चाहिए। इतनी बात मैं आपको कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, ये सरकार को पिछवाड़े पर लात मारने का काम कर देता हूँ। जय मनोजी, जय माता दी। पेट भर जाएगा, ये सोचने वाली बात है। तो इसी के यही हमारे जो सरकार है, यही तो दोहरी नीति जो हमारा सरकार अपना रखी है। तो आज विचारधारा की सरकार है, आरएसएस की जो खुली सरकार है, वो हमारा जो जाति आधारित गिनती करने में क्या दिक्कत है। जाति आधारित गिनती तो होती है, जनगणना गिनती आर्थिक गणना होती है, उसमें एक कॉलम बना देना है, एक सिर्फ ब्रैकेट बना देना है कि ये ओबीसी की जाति आधारित जाति पे टिक लगा देना है। इतनी पूछने में आखिर क्या जाता है, उसमें कितना खर्चा हो जाता है जो उनको करने में कष्ट हो रही है। उसके बाद आज ये जो सारी व्यवस्थाएं हमारे समाज में होते आ रहा है और हो रहा है, इसका कोई और दोष नहीं है, इसका सिर्फ ये ईवीएम है। अगर ईवीएम हट जाएगा